चलिए बात करते हैं कि हम HIV पॉजिटिव इन्फेंट में क्या BCG दे सकते हैं। पहले याद रखिए HIV क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट है। इम्यूनोसप्रेसिव मतलब कि इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती HIV के पेशेंट्स में। BCG क्या है, लाइव वैक्सीन है, और लाइव वैक्सीन से हमेशा खतरा रहता है कि उससे पैथोजेनिसिटी हो सकती है, और बच्चे को जिस भी चीज़ की हम वैक्सीन दे रहे हैं उससे उसकी वो बीमारी हो सकती है। अब इसमें भी एक ग्लिच है कि HIV पॉजिटिव इन्फेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्प्टोमेटिक है। सिम्प्टोमेटिक HIV में कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी होती है, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। अब बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक HIV की। अगर बच्चा एसिम्प्टोमेटिक HIV पॉजिटिव है और लो एंडेमिक एरिया में पैदा हुआ है, लो एंडेमिक वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे उसकी इंसिडेंस कम है बीमारी की, यानी कि HIV के केसेस थोड़े बहुत एकाधे हैं, लो एंडेमिक एरिया है तो बहुत कम खतरा है उस एरिया में HIV का। लो एंडेमिक एरिया एसिम्प्टोमेटिक HIV पॉजिटिव बच्चा है तो हम उसको BCG देते हैं, क्योंकि उसमें उसके खतरा कम रहता है कि उसको ट्यूबरकुलोसिस हो पाएगी। अगर बच्चा हाई एंडेमिक एरिया में पैदा हुआ है, एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव HIV का केस है, तो हम उसको BCG बिल्कुल नहीं दे सकते। याद रखिए लो एंडेमिक है एरिया या हाई एंडेमिक है, इस पर डिपेंड करेगा कि HIV पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक बच्चे को हम BCG दे सकते हैं कि नहीं। तो इस बात में हमेशा कॉशियस रहिए कि बच्चे को, पॉजिटिव HIV पेशेंट बच्चे को हम BCG दें कि नहीं दें, ये बहुत ज्यूडिशियली आपको डिसाइड करना है।